आप आईपीएल के लिए उठकर आ रहे हैं मतलब अभी तक जीतने का एक भी बार हमारी मध्य प्रदेश टीम नहीं जीती थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार जीते और उसका मैं सदस्य था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था आईपीएल का, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिला और उनसे सीखने का मौका मिला। मुझे सचिन सर से जो बात हुई थी उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई, ना कि गेम में और जो मतलब मेंटली रूप से भी काफ़ी अच्छा उन्होंने जो टिप्स दिए मेरे को काफ़ी काम आया। उन्होंने स्पिन बॉलिंग का थोड़ा सा बताया जो मेरे को काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हुई उस चीज़ से बॉलिंग में मेरे को। हाँ जी, उस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने पहले प्रैक्टिस में किया, फिर उससे मेरे को फ़ायदा हुआ, फिर उसको मैंने मैच में लेके आया। मैं मतलब वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता शब्दों में, वो बहुत ही अलग फीलिंग है, वो बहुत ही अच्छा लगा मतलब मम्मी पापा से मिलके। गांव में तो काफ़ी अच्छा था, मतलब मैंने इतना उम्मीद भी नहीं किया था जितना उन्होंने मतलब सब मिलने आए जिस तरह से, और जिस तरह से मतलब हर चीज़ में मेरा साथ दिया जो वहाँ के लोग थे उन्होंने। आज इस मुकाम पे पहुँचे, उसके पहले शुरुआत की थी, कुछ अड़चने आई थी, जैसे किट वगैरह लेने जाते थे उसमें लोग तमाशा देखते थे, खेलते थे, क्या मतलब पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे, अब वो क्या कहते हैं? मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं उनको बहुत बड़ा मतलब अपने लाइफ में एक टीचर की तरह देखता हूँ, कि अगर उन्होंने उस टाइम नहीं किया होता ऐसा कुछ तो शायद मेरे अंदर वो आग नहीं लगती जो मेरे को यहाँ तक लेके आई। क्या बात करते हो? मतलब नॉर्मल ऐसी थोड़ा सा जो मतलब जो टिप्पणियाँ मारना और ये सब छोटी छोटी बातें थी। अब ये मतलब इस पे तो नहीं बोल सकता मैं कैमरे पे, मैं ना किसी की बुराई करना चाहता हूँ, बट मैं जिन्होंने जितने भी मेरा हेल्प किया आगे बढ़ने में उनको थैंक यू मेरा। अच्छा, आज अपने पापा के ऑफिस आए, आपने उनके अफसर से मुलाकात हुई, उन्हें क्या कहा? मतलब मैंने तो सिर्फ जो पापा से सुना ही था सर के बारे में, मैं पहली बार मिला और कितने अच्छे से मिला, मैंने इतना उम्मीद भी नहीं की थी जिस तरह उन्होंने मेरे को लंच की तरह लंच पे ऑफर दिया, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।